लैंड में बहुत दिनों से इन्वेस्टमेंट करने की मेरा एक फ्रेंड सोच रहा था, और इतना करने के बाद उसको एक समझ में आया कि उसके मम्मी ने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट की थी जिसकी उनको कुछ दिनों के बाद नोटिस आई थी। क्यों क्या रीजन कुछ भी पता नहीं, वो यूएस में रहता है और उसके मम्मी को पूना में नोटिस आई थी। उसने मुझे जस्ट लैंड केस स्टडी करने के लिए भेज दी। तब समझ में आया कि एक्चुअल लैंड जितनी लेनी चाहिए मिनिमम उतना एक्विजिशन ही नहीं था, इसलिए वो केस हो चुकी थी। क्या आप भी डरते हो इस तरह के लैंड ट्रांजैक्शन करने के लिए? आपको ये चीज पता है कि लैंड में इन्वेस्टमेंट करने से पैसा बहुत बढ़ता है, बट फिर भी लैंड में होने वाली इलीगैलिटीज एंड इनसिक्योरिटीज की वजह से बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा होकर भी लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे सबके लिए मैं ला रही हूँ लैंड बाइंग सीक्रेट्स, हमारा वेबिनार। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते है, मैं रियल एस्टेट में फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 15 साल में मैंने 1500 से भी अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। पुणे के पास लैंड में एग्रीकल्चर प्लॉट में इन्वेस्ट करें या नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट में इन्वेस्ट करें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। एंड इसके बेसिक पैरामीटर होते हैं कि आपको लैंड लेते वक्त आपने बजट कितना रखा हुआ है, आपका लैंड लेने का पर्पस क्या है, और वो लैंड पे लेने के बाद आप करने वाले क्या हो। प्योरली आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से चाहिए, आपको उसके ऊपर फार्मिंग खेती करने के लिए चाहिए, या आपको उस पर फार्म हाउस बना के रेंट आउट करना है, आपका पर्पस क्या है, इस हिसाब से एक्चुअली डिफाइन होता है आपने लैंड कौन सी लेनी चाहिए। एनए या एग्रीकल्चर दोनों में अगर कंफ्यूज हो तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि पुणे के आसपास कौन से एरियाज ग्रो होने वाले हैं। ये आपके या मेरे पसंदीदा एरिया का सवाल नहीं है, या फिर मेरी वहां पे ज्यादा जमीन है इसका भी पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये आता है कि गवर्नमेंट के कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पे आ रहे हैं। अगर ये स्टडी करना है तो आपको पीएमआरडीए का डीपी स्टडी करना बहुत जरूरी है। पीएमआरडीए डीपी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको 2020 से 2041 का गवर्नमेंट का प्रपोज्ड प्लान मिलेगा पुणे सिटी के लिए, जहां जहां पे इस तरह की डेवलपमेंट आने वाली है। मैं इस वेबिनार में ये कवर करने के लिए जा रही हूँ टोटल 18 ग्रोथ सेंटर ऑफ द अर्बन पुणे कौन से है और यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। लैंड लेते वक्त बेसिक कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें? लॉयर के पास जाने से पहले आपकी लैंड शॉर्टलिस्ट होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं चेक करना। रीजनल डेवलपमेंट प्लान, हम इसके बारे में इस वेबिनार में बात करेंगे। 7/12 म्यूटेशन एंट्री और कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जो आपने चेक करने के लिए चाहिए जो आपका लैंड ट्रांजेक्शन सेफ डिफाइन करे, ना कि जस्ट लैंड की सिक्योरिटी, बट जिसको आप पेमेंट दे रहे हो वो राइट ओनर है या नहीं है ये भी जानना बहुत जरूरी है। इस वेबिनार में मैं कवर करने जा रही हूँ ये सब एस्पेक्ट। अगर आप कई सालों से सोच रहे हो मेरा खुद का लैंड हो, मेरी खुद की कहीं ना कहीं पे तो जगह हो, बट अंदर से एक इनसिक्योरिटी पाल के रखी है, तो ये वेबिनार आपके लिए है। आपको बेसिक्स एक ही चीज साथ में लेके आनी है, वो है आपका ओपन माइंड। इस वेबिनार में आने से पहले आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दिस वेबिनार।